हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि चैप्टर 3 है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मार्क्स गैनिंग चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विवीपेरस, यानी ह्यूमन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन का जो है दो मोड होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो ह्यूमन जो होते हैं वो क्या करते हैं? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये वीवीपेरस होते हैं। वीवीपेरस यानी कि ह्यूमन्स दे डू नॉट ले एग्स, वो एग नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वो एग नहीं देते हैं, वो अपने जैसा यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जो पहला इवेंट है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, यानी यहाँ पर क्या होता है कि जो है फीमेल में फीमेल गैमेट्स बनते हैं, फीमेल सेक्सल जिसको हम लोग बोलते हैं ओवम, वो बनते हैं। और मेल में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये गैमिट्स का बनना, ये सेक्स सेल्स का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। मेल में स्पर्म बनते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाते हैं, और फीमेल में ओवम बनते हैं, एग बनते हैं, तो हम लोग ऊजेनेसिस कहते हैं। जब ये स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है तो स्पर्म इज ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, और ये जो स्पर्म है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनसेमिनेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड इनसेमिनेशन। यानी इनसेमिनेशन में क्या होता है? जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है मेल बॉडी के अंदर में, वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब जैसे ये स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुँचते हैं तो ये अगला जो इवेंट होता है उसमें क्या होता है कि ये फ्यूज़न करते हैं। यानी फ्यूज़न, ये फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। यानी यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो है आपका फर्टिलाइजेशन होता है। यानी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो कि मेल और फीमेल गैमिट, यानी मेल गैमिट जो मेल बॉडी से इंसेमिनेशन के जरिए फीमेल बॉडी में इंटर कर गया है, करा दिया गया है, इंसेमिनेट कर दिया गया, वहाँ पर क्या होता है? ये मेल स्पर्म जो है वो क्या होता है? जाकर फीमेल एग के साथ, यानी एग के साथ क्या करता है? ये जाकर फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, यानी फ्यूज़न करते हैं। दे शेयर देयर न्यूक्लियस, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के पश्चात ये क्या बनता है? तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात यहाँ पर बनता है जायगोट। क्या बनता है? जायगोट बनता है, जायगोट है ना, ये जो है आपका कहाँ बनता है? ये फीमेल बॉडी में बनता है, ये जायगोट बनता है। ठीक है, ये जायगोट डिप्लॉयड होते हैं क्योंकि जो स्पर्म जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और ओवम में क्या होता है? उसमें भी सिंगल सेट क्रोमोसोम होता है। तो ये दोनों सेट जब एक साथ फ्यूज़ करके, फर्टिलाइजेशन करके जब एक साथ हो जाते हैं, फ्यूज़न कर लेते हैं, तो वो जायगोट बनाते हैं। और जायगोट में क्या होता है? दो सेट क्रोमोसोम होता है, यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। दैट्स व्हाई जायगोट इज कॉल्ड डिप्लॉयड। क्लियर, दिस इज फॉलोड। अब जायगोट मेरा फॉर्मेशन हो गया है तो जायगोट क्या होता है? जायगोट जो है वो क्या करता है? क्लीवेज का प्रोसेस करता है और आगे चल के ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। क्या बनाता है? ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। और ये ब्लास्टोसिस्ट ये यूटेरिन वॉल यानी यूटेरस के वॉल से अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद उसमें एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जो हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और फिर जब एक मैच्योर बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट बेबी इज़ डिलीवर्ड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पार्चुरेशन। अभी जब मैंने ये टर्मिनोलॉजी आपको बताया तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, टेंशन नहीं है। आगे जब हम लोग चैप्टर को डील करेंगे तो विस्तार से इन सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें आगे जो पढ़ना है वो है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले मैं आपको जो जितने भी प्रोसेस मैंने आपको बताया, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, जो इवेंट्स मैंने आपको सारे बताया, मैं फिर एक चार्ट के द्वारा आपको मैं
समझाने का फिर से कोशिश कर रहा हूँ। आप इस देख सकते हैं, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो इवेंट, जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे इवेंट्स को यहाँ पर एक एक करके बताया गया है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो रिप्रोडक्शन का जो पहला स्टेप होता है, इवेंट होता है, दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, एग और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एग और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। इसके बाद जैसे ही एग का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, तो स्पर्म कहाँ बनते हैं, मेल बॉडी में, ओवम बनते हैं फीमेल बॉडी में। तो फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं जेनाइटल ट्रैक्ट में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं स्पर्म को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। नाउ द थर्ड प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल गैमिट्स जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में इंटर कर चुके हैं, वो फीमेल गैमिट्स के साथ यानी ओवम के साथ क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। यानी कि मेल और फीमेल दोनों गैमिट्स आपस में न्यूक्लियस को शेयर करेंगे, उनका न्यूक्लियस अब एक बन जाएगा मिलकर। और जैसे ही ये दोनों न्यूक्लियस मिलकर एक बन जाएंगे, एक सेल बन जाएंगे, तो ये डिप्लॉयड हो जाएंगे, और इस डिप्लॉयड सेल को हम लोग कहते हैं जाइगोट। ये जाइगोट बन जाएंगे, क्लियर। अब ये जाइगोट क्या होगा, ये जाइगोट अब इम्प्लांट हो जाएंगे, यानी कि डेवलपमेंट, ये इम्प्लांटेशन का मतलब अटैचमेंट टू द यूटेरिन वॉल्स, मतलब ये जो है आपका जाइगोट वो डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगे, जिसे क्लीवेज का प्रोसेस कहते हैं। क्लीवेज का ये ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगे, ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस के यूटेरिन वॉल में अटैच हो जाएंगे, क्लियर। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन, यानी अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूटेरिन वॉल। नाउ द नेक्स्ट पीरियड इज जेस्टेशन। इसमें क्या होता है, जब वो अटैच हो चुके हैं यूटेरिन वॉल में, तो अब क्या होता है, इसमें एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है, क्लियर। ये एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, जैसे पहले आपका जो है इनर सेल मास बनते हैं, फिर इनर सेल मास के बाद जो है उसमें डिफरेंट लेयर, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये सब बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनने लगते हैं, कंप्लीट फीटस का फॉर्मेशन होता है। और जब ये फीटस कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं, है ना, ये नियरली अबाउट ह्यूमन बींग में 260 से 270 दिन का समय लगता है, जो कि नियरली अबाउट 9 मंथ्स के लगभग होता है। इसके बाद जो है वो डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है, यानी चाइल्ड का बर्थ होता है, और इस चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। तो ये सारे इवेंट्स हैं जो ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में एक एक करके ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो अब अगला जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, है ना, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, क्लियर। तो जो ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये तीन चीज़ों से मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है कि वैसे ऑर्गन जहाँ पर गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे मेल में, ये हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो मेल में क्या होता है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस होता है कहाँ पर, तो स्क्रॉटम में होता है टेस्टिस। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये क्या करते हैं, मेल गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वैसे ऑर्गन्स होते हैं जो गैमिट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं बट रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, गैमिट्स का मूवमेंट में हेल्प करते हैं, गैमिट्स को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, गैमिट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं, गैमिट्स को न्यूट्रिशन देने में हेल्प करते हैं, क्लियर। तो ओवरऑल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बट दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमिट्स। तो इसमें क्या आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, अ पेयर ऑफ डक्ट्स ईच डिफ्रेंशिएटेड इनटू रीड टेस्टिस, वाजा एफरेंसिया, एपिडाइडिमिस, वाज डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये सारे आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में। नाउ द नेक्स्ट इज
एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये तीनों चीज से मिलकर बनते हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसमें क्या आते हैं, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस आते हैं। क्लियर? तो एक एक करके अब हमको, हम लोगों को ये पढ़ना है। तो सबसे पहले टेस्टिस, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम। टेस्टिस जो होता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, वो उसे हम लोग कहते हैं स्क्रॉटम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्रॉटम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रॉटम। तो स्क्रॉटम क्या करता है, स्क्रॉटम जो है वो आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर नहीं होता, ये एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में होता है। और ये क्या करता है, ये हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर क्या करता है, ये जो है टेस्टिस को बॉडी से 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। तो ये 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, तो इसको मेंटेनेंस कौन करता है, तो ये स्क्रॉटम करता है। यानी स्क्रॉटम जो है वो लो टेम्परेचर मेंटेन करता है, जिस कारण से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। इस टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। हर एक टेस्टिस, यानी कि मैंने आपको बताया कि ये पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, यानी कि दो टेस्टिस होता है, तो हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं। और हर लॉब्यूल्स में, ईच लॉब्यूल कंटेन हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, हम लोग अभी डायग्राम में देखेंगे, जहाँ पर क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाई टू टाइप ऑफ सेल्स, यानी दो सेल से जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वो वहाँ पर दो सेल होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल, और दूसरा होते हैं सर्टोली सेल्स। क्लियर? और एक तीसरा सेल होता है, दैट इज लेडिक सेल्स और इंटरस्टिटियल सेल्स। ये क्या होता है, प्रेजेंट अराउंड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अगल बगल में, बाहर में पाया जाता है, और एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करता है। क्लियर? तो ये सभी चीज़ों को हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम है, ये डायग्राम दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर क्या है, तो एक पेयर टेस्टिस है, वन पेयर टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर? और ये जो टेस्टिस है, इट इज सराउंडेड बाय स्क्रॉटम, स्क्रॉटम से ढका हुआ रहता है। क्लियर? यहाँ पर बहुत सारे आप देख सकते हैं, जो आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आप देख सकते हैं क्या है, तो आपका रीड टेस्टिस है, वास एफरेंसिया है, एपिडाइडिमिस है, वास डेफरेंस है। क्लियर? यूरिथ्रा है, ये पेनिस है। तो ये सारे मिलकर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनाते हैं, और ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी पेनिस जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है। यहाँ पर आप ग्लैंड्स देख सकते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। तो ऑल दीज ये सब एक साथ मिलकर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो आप टेस्टिस देख रहे हैं, तो इसका हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज टेस्टिस। ये क्या है, टेस्टिस है। क्लियर? तो टेस्टिस जो होता है, आपको मैंने बताया कि इट हैज़ अबाउट 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, यानी एक टेस्टिस के अंदर 250 लॉब्यूल्स, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, और फिर उसके अंदर क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो चलिए अगले डायग्राम में हम लोग ये देखते हैं। दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये आप देख सकते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो टेस्टिस है, ये क्या होता है, कई लॉब्यूल्स में बटा होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर 9 लोब्स दिखाया गया है। इस तरह के एक टेस्टिस में 250, लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, और हर लॉब्यूल्स के अंदर आप देख सकते हैं हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये
जो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, सभी में इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर दिया हाईली क्वाल्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दैट इज सेमनीफेरस टिब्यूल्स। ये क्या होते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसके अंदर फॉर्मेशन होता है? सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर में जो है फॉर्मेशन होता है। किसका? तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये एक डायग्राम है सेमनीफेरस टिब्यूल्स का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्या है? सेमनीफेरस टिब्यूल्स है। ये सेमनीफेरस, एक कंप्लीट सेमनीफेरस टिब्यूल्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कई सारे सेल्स पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सर्टोली सेल्स। ये जो यहाँ पर ये सर्टोली सेल्स देख सकते हैं आप, ये क्या होते हैं? सर्टोली सेल्स होते हैं। सर्टोली सेल्स होते हैं। क्लियर? ये सर्टोली सेल्स होते हैं। और बाहर में, यानी सेमनीफेरस टिब्यूल्स के जस्ट अराउंड में, बाहर में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या होता है? लेडिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? लेडिक सेल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेडिक सेल्स, ये लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स, ये आप लेडिक सेल्स देख सकते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स एंड द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल्स मैंने आपको बताया कि एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। और जो सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। यानी जो स्पर्म होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन जो है कई कई सारे सेल्स में, जैसे मान लीजिए सबसे पहले वो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, फिर प्राइमरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड बनते हैं, फिर स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, ये जितने भी हेड और टेल वाले दिख रहे हैं, यानी कि इस तरह का जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस तरह का जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस तरह का जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये सारे स्पर्म्स हैं, स्पर्मेटोजोआ हैं। क्लियर? और आप देख सकते हैं ये सर्टोली जो सेल्स है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स के अंदर इनका हेड जो है वो एम्बेडेड है, मतलब उनका हेड जो है वो सर्टोली सेल्स के अंदर है। क्लियर? देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है? ये सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेते हैं। सर्टोली सेल से क्या करते हैं? न्यूट्रिशंस लेते हैं। क्लियर? एक डायग्राम, बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है सेमीफेरस टिब्यूल्स का डायग्राम बनाइए। तो बहुत ही ईजी डायग्राम मैंने नेट से सर्च किया है, तो आप भी ये डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर, आपने क्या क्या देखा? तो रीड टेस्टिस, एपिडाइडिमिस, क्लियर, वास डिफरेंस देखा आपने, ठीक है। तो ये सभी क्या है? इजाकुलेटरी डक्ट है। ये क्या करते हैं? ये स्पर्म को स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि टेस्टिस से, पेनिस से होते हुए ये जो है वो आउटर ओपनिंग, यानी कि यूरिथ्रा से होते हुए ये यूरिथ्रल मीटस, यानी कि बाहर इसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि इजाकुलेटरी डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा, विच ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लाडर एंड एक्सटेंड थ्रू पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरिथ्रल मीटस। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या होता है, कहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये टेस्टिस से होते हुए जितने सारे डक्ट यहाँ पर कनेक्टेड हैं, ये सारे डक्ट को एक साथ इजैकुलेटरी डक्ट बोला गया है। और ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं और ट्रांसफर करते हैं स्पर्म को, ठीक है। क्लियर? द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो अगला हमारा है ना, तीसरा जो हमारा कंसिस्ट होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कंसिस्ट हुआ है, वो तीसरा क्या है? पहला तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और थर्ड इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैंने आपको बताया कि वो क्या, पेनिस को बोला जाता है। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस एंड इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। क्लियर? तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या हम लोग पेनिस को कहते हैं, और ये जो इनलार्ज एंड, पेनिस का जो एंड होता है, एंड पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। ये आपको बता दूं कि ये सबसे सेंसिटिव जो है पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये एक तरह का एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड किया हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड फोर स्किन। उसे क्या कहते हैं? फोर स्किन। तो चलिए एक डायग्राम में हम लोग देखते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज पेनिस। आप देख सकते हैं
दिस इज द एंड पोर्शन ऑफ पेनिस, और इसे हम लोग कहते हैं क्या, तो हेड ऑफ द पेनिस और ग्लांस पेनिस, क्लियर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन होता है दैट इज यूरेथ्रा, ये कॉमन ओपनिंग होता है, यानी कि जो हमारा इजैकुलेटरी डक्ट है वो भी इससे आकर कनेक्ट होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से जो है आपका वो भी इसी के रास्ते से, यूरिन भी इसी रास्ते से फ्लो होता है। तो यूरिथ्रा जो है दैट इज़ कॉमन ओपनिंग, है ना, ये रिप्रोडक्टिव में भी काम आता है और ये जो है यूरिन का डिस्चार्ज करने में भी हेल्प करता है। हेड ऑफ द पेनिस इज कवर्ड बाय अ सिंपल फोल्ड ऑफ स्किन, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह का एक स्किन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये जो स्किन है ना दैट इज कॉल्ड फोर स्किन, और ये फोर स्किन से ढका हुआ था क्या, तो ग्लांस पेनिस, क्लियर। और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू जिससे ब्लड सप्लाई होता है ना, ये मसल्स होते हैं, ये हाईली इरेक्टाइल मसल्स होते हैं यहाँ पर, है ना, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव यानी कि काफ़ी जो है इजली सेंस को स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक हाईली हाईली जो है वो इरेक्टाइल मसल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, नाउ सम एसेसरी ग्लैंड्स, यहाँ पर क्या होता है, कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, दैट इज सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स फॉर्म द सेमिनल प्लाज्मा, जो ये सिक्रीशन जो होता है इन सब ग्लैंड से वो सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं जिसमें फ्रुक्टोज, कैल्शियम और सम एंजाइम्स पाए जाते हैं। द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में भी ये हेल्प करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। धन्यवाद, ये वीडियो देखते रहिए, और जहाँ भी कुछ डाउट्स होता है आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।